Bismillahirrahmanirrahim. Today I talk about how to get acceptance letter for CSC scholarship. I divided this topic into 12 questions and 12 heading, and I will discuss each heading and each question briefly, and I write all these 12 question in description. So अगर आपको इन 12 question में से किसी भी question में issue है या आपका भी वही same question है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, then आप till end तक watch करें इस video को, and it may be helpful for you. And let's start with my first question. How much is it necessary? Mean कितना ज़रूरी है कि आपके पास acceptance letter हो? According to my belief or my knowledge, as I mentioned earlier, I'm selected for A category in 2019. So according to my belief, it's not too much compulsory. Like it will increase your chances up to 60%. Like कुछ लोगों का मानना है कि अगर उनके पास एक्सेप्टेंस होगा तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और एडमिशन भी मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बिलीव है. लाइक अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, देन सिलेक्शन कमेटी जो यूनिवर्सिटी की है वो आपको एडमिशन के लिए सिलेक्शन कमेटी आपका सारा ऑब्जर्व करेगी डेटा, एंड अगर उसे लगेगा कि आपको एडमिशन देना चाहिए तो आपको एडमिशन देगी. इवन उसमें आपका प्रोफेसर नहीं होता जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है. तो उसके बाद आपका डेटा जो है वो सीएससी को ट्रांसफ़र किया जाएगा. अगर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती है तो सीएससी की अपनी कमेटी है, उसमें प्रोफेसर का कोई लेना देना नहीं है. जो आपका एक्सेप्टेंस है वो ये शो करता है कि आप इतने एबल हो कि आपको कोई प्रोफेसर लेना चाह रहा है. वो आपकी एबिलिटीज़ और आपकी इंटेंशंस को शो करता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हो और आप इस एबल हो और आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो इतनी है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आ सको. वो जस्ट इस चीज़ को शो कर रही है, एक्सेप्टेंस लेटर इस चीज़ को शो करेगा. So next question, is it necessary for all categories like for A or for B? जो A category है ये दो तरह से इसमें हम apply करते हैं, एक through HEC और एक through embassy. और जो HEC में apply करते हैं, HEC आपको restrict करता है कि आपके पास admission letter हो या और मे बी प्री एडमिशन लेटर हो और मे बी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो. तो एच ई सी के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड कि आपके पास इवन एक्सेप्टेंस लेटर तो, अगर आपके पास प्री एडमिशन लेटर नहीं है यूनिवर्सिटी का तो ए कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और बी कैटेगरी के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी को कमेटी को हाउ ना होगी कि आपको कोई प्रोफेसर एक्सेप्ट कर रहा है. एंड इज़ इट नेसेसरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी? अगर हम इस चीज़ पर बात करें तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में हमें ईमेल करनी चाहिए, यहाँ से एक्सेप्टेंस लेना चाहिए, तो ये गलत है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं चाइना में जो कि एक्सेप्टेंस लेटर देती ही नहीं है, वैसे ही नहीं देती. मतलब कुछ डिसिप्लिन हैं कई यूनिवर्सिटियों में, एंड वो जस्ट आपको वहाँ जस्ट अप्लाई करना है, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है. तो ये हर यूनिवर्सिटी के लिए नेसेसरी नहीं है, बट कुछ में नेसेसरी है. आपको शिंगवा में लाजमी आपको एक्सेप्टेंस हो, छिंघाई जो होता हूँ मैं आपको लाजमी हो. इस तरह जो अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी हैं, जो हैवी रैंकिंग है जिनकी, उनमें तो कंपलसरी है जहाँ तक मेरा ख्याल है. लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो लास्ट ईयर 2019 में ग्रुप्स में बात होती थी तो आई रियलाइज़ कि ये हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देती.
and how much acceptance letter you need from one university. इस चीज़ को मैं लाजमी यहाँ डिस्कस करूँगा. लाइक कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, जो कि एक ही यूनिवर्सिटी से कई एडमिशन लेटर ले लेते हैं. मतलब सेम यूनिवर्सिटी है, आपको दो तीन एक्सेप्टेंस लेटर हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है. इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का. आप कोई भी जब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे ईमेल अपने अपने प्रोफेसर को देखें, ईमेल करें अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड. एंड व्हेन यू गेट वन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दैट प्रिसेक्टिव यूनिवर्सिटी, किसी एक भी यूनिवर्सिटी से, आप जब किस उस यूनिवर्सिटी में किसी भी एक प्रोफेसर से जब एक्सेप्टेंस ले लें, तो अगर आपके पास सेकेंड एक्सेप्टेंस आ भी जाए, तो आपको जो आपके डिसिप्लिन जिसमें आप करना चाह रहे हो, जिस प्रोफेसर के पास जाना चाह रहे हो, उसको एक्सेप्ट करें और सेकेंड को ईमेल कर दें कि मैं नहीं आना चाह रहा आपके पास, ताकि वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाए. और अगर आपको बस एक एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, तो आप सेकंड के लिए उसी सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें और मेल ना करें, क्योंकि आपको अगर आप एक से ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर उसके लिए देते हो एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, आपका प्लस पॉइंट नहीं है. अगर आप एक दोगे तो आपका प्लस पॉइंट में आएगा. एंड हाउ यू सेलेक्ट योर प्रोफेसर, आप सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है. एज आई मेंशन अर्लियर इन माय फर्स्ट वीडियो कि आपको कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको अपना फील्ड देखना है. लाइक आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड आई हैव आइडिया अबाउट माय इंटरेस्ट के मुझे स्ट्रक्चर में जाना है, मुझे जियोटेक में जाना है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन में जाना है. तो आप उसे जोट डाउन कर लें किसी एक पेज पे कि आपको कौन सा डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड फिर उस फील्ड के प्रोफेसर्स को आपको सर्च करना है, और जो प्रोफेसर आपके फील्ड के बिल्कुल सिमिलर हो, लाइक अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन में जाना है और आपका इंटरेस्ट है कि हमें रीबिल्ड कैसे करना है रोड को, या आपका जियोटेक में जाना है तो आपका सॉइल के टेस्टिंग पे आपका इंटरेस्ट है, तो जिस प्रोफेसर का सेम इंटरेस्ट है, आपको फर्स्ट उसे सिलेक्ट करना है. और आपको तीन चार प्रोफेसर सिलेक्ट करने हैं, किसी सिर्फ एक को ईमेल नहीं करनी, तीन चार को करनी है. तो इस तरह आपको प्रोफेसर सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज़ इट गुड टू यूज़ ओनली ईमेल? लाइक सम स्टूडेंट जो मोस्टली स्टूडेंट बल्कि जो हैं, वो ऐसा होगा कि ग्रुप बने होंगे, दो तीन दोस्त होंगे, यार इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स की ईमेल मिले तो मुझे भी शेयर करना, या इस तरह, या ग्रुप्स पे ढूंढते हैं सिर्फ जस्ट ईमेल एंड ईमेल कर दी, ना उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखा कि उन प्रोफेसर्स का क्या ईमेल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. लाइक वो सिविल में, जियोटेक में हैं, वो एनवायरमेंटल में हैं, वो हाइड्रोलिक्स के हैं, किस चीज़ के वो प्रोफेसर हैं. तो ये एक बहुत गलत चीज़ है कि आप उनका जस्ट ईमेल किसी से शेयर करें या किसी से लें और उनको ईमेल कर दें कि मुझे आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए. तो आई रिकमेंड कि आप खुद सर्च करें. और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दालियान यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपके प्रोफेसर्स की ईमेल आपको नहीं मिलेगी. लिखा आ रहा होगा कि डिटेल ऑफ फैकल्टी या इस तरह, वो टैब नहीं खुलेगा. आपको चाइनीज़ वर्जन में उसे खोलना है, गूगल ट्रांसलेट नहीं करना उसके पेज को, देन वो आपसे ईमेल वो वाला टैब ओपन हो जाएगा. ये तरीकाकार है आपको ईमेल फाइंड करने का. अक्सर 90% यूनिवर्सिटीज़ जिनके ईमेल नहीं खुल रहे होते, उसकी वजह यही होती है कि आप जब गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसलेटर, देन वो उनका ईमेल ओपन नहीं हो रहा होता. व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू राइट इन योर ईमेल? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ईमेल जो लिखना है उसमें आपको क्या प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है. अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और माई बिलीव के
आपको स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन से। आपको 3 पैराग्राफ टोटल बनाने, इससे ज़्यादा आपको ईमेल में नहीं बनाने। ईमेल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा। मोस्टली प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता कि आपका आपकी लेंथी ईमेल को वो देखें। वो या तो आपके अटैचमेंट्स को देखते हैं या आपके जस्ट इंट्रोडक्शन को देख के आपके नेक्स्ट आपकी ईमेल को पढ़ते हैं, नहीं तो इग्नोर ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों ने एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल कर रहे होते हैं। तो आपको इसको अट्रैक्टिव बनाना है अपनी ईमेल को। स्टार्ट आपने अपने इंट्रोडक्शन से करना है। नेम और कंट्री, आपका क्या नेम है, किस कंट्री से बिलोंग है। और सेकंड, फिर आपने, अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लाइक आई एम टॉपर ऑफ माई यूनिवर्सिटी, सो मैंने सबसे पहले पहले अपने ईमेल के ऊपर जब पाकिस्तान का जिक्र किया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, देन नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी कि मेरा CGPA ये है एंड आई क्लियर्ड आइल्स विद दिस इज बैंड, मैंने मेरे आइल्स में ये बैंड है। क्योंकि अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो आपको उनको बिल्कुल शुरू में शो करना है, कि अगर आपका CGPA अच्छा है आप उसे मेंशन करें, आपके पास आइल्स है वो मेंशन करें, बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, या जैसे हमारा सर्वे कैंप होता है, इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं। आपके हर हर डिग्री में अलहदा किस्म के एक इवेंट्स होते हैं। तो मैं मतलब उस अगर आपने इवेंट में कुछ अचीवमेंट है उसको बिल्कुल छोटा सा 2-3 लाइनों का आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। एंड सेकंड, आपने अपना इंटरेस्ट बताना है और अपना पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस बताना है, कि लाइक आपने कोई भी, जैसे कोई जियोटेक का प्रोफेसर है लाइक, या स्ट्रक्चर का है, तो आपने उसे कहना है कि मैंने स्ट्रक्चर में ये काम किया हुआ है। छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, 4-5 लाइनों का एक, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है एंड मैंने इसमें इस तरह का काम किया और मैं फर्दर इसको इस तरह करना चाहता हूँ। या एक और भी आपको चीज़ बताऊँ, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जियोटेक है और आप चाह रहे हैं कि मैं स्ट्रक्चर में जाऊँ, मतलब सब फील्ड में आप किसी और में जाना चाह रहे हैं, तो आपने लिखना है कि मैंने ये काम किया स्ट्रक्चर में। अब मैं फील किया आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ऑफ इन दिस फील्ड के मेरा जो रियल इंटरेस्ट है वो जियोटेक है, तो मैं जियोटेक में फर्दर ये काम करना चाहता हूँ। जो काम प्रोफेसर का हो आप उससे थोड़ा मिलता जुलता करके लिखें। एंड थर्ड पैराग्राफ जो कि आपको लिखना है, उसमें ये लिखना है कि जो ये यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरा शिंगवा यूनिवर्सिटी में हुआ, ये फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी है इन चाइना में, तो आप लिखेंगे मैंने सर्च किया, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्पेशली आपकी रिसर्च मेरी रिसर्च से बड़ी मैच करती है, तो अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस दे देंगे तो मैंने CSC में अप्लाई करना है। जो आपके एक्सेप्टेंस है वो मेरे इन्हांस कर देगा मेरे एडमिशन को, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को, तो काइंडली मुझे एक्सेप्टेंस दे। और जो आपने फाइल, विच डॉक्यूमेंट यू अटैच, जो आपने फाइल अटैच करनी है वो ये नहीं करना है कि आप डिग्री अटैच करते हैं, आपके CGPA 2 और 2.1 और आप उसको अटैच करते हैं, आप ये डिग्री अटैच करें जहाँ पे, अगर आपकी CGPA बहुत गंदी है तो आप डिग्री अटैच करें जहाँ पे आपके जस्ट ग्रेड मेंशन होते हैं, CGPA और ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। अगर आपका बहुत अच्छे हैं CGPA तो आप ट्रांसक्रिप्ट को लाजमी वहाँ पे अटैच करें, ताकि उसको प्रोफेसर को आइडिया हो कि आपकी स्ट्रक्चर में 4 out of 4 है, आपकी बहुत अच्छी CGPA है, तो आप आइल्ट्स अगर आपके पास है तो लाजमी से अटैच करें, क्योंकि जो शिंगवा यूनिवर्सिटी है उसमें शिंघाई जो होता है इस तरह की पीकिंग में, इनमें कंपल्सरी है आइल्ट्स, तो आप आइल्ट्स को लाजमी अटैच करें। और अगर वो नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसको अटैच करें। और थर्ड थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी मेरे ख्याल में, आपका प्रिंसिपल, आपका प्रोफेसर, आपका कोई भी प्रीवियस यूनिवर्सिटी का, उससे रिकमेंडेशन लेटर, उसे भी अटैच करें। ये चीज़ें आप अटैच करें एंड देन सेंड टू योर प्रोफेसर, एंड इंशाल्लाह वो आपको ईमेल का रिप्लाई लाजमी करेगा। कुछ होते हैं जिनको नहीं चाहिए होते, मतलब इनटेक में स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, वो नहीं करते, और अगर आपका अट्रैक्टिव होगा तो ही आपको रिप्लाई करेगा, ऑल्दो वो रिप्लाई नहीं करेगा।
एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू सेंड योर ईमेल? हम लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं होता कि कब ईमेल हमें एक्सेप्टेंस के लिए सेंड करनी है. कुछ जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका लास्ट डेट दिसंबर में होगी, जैसे हर्बन यूनिवर्सिटी है. इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जिनकी लास्ट डेट दिस बड़ी अर्ली होगी, कुछ की थोड़ी मार्च में आएगी, जैसे चौकिंग यूनिवर्सिटी है. तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट डिफरेंट होती है. तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन डेज में आप लाजमी मेल सेंड करते हैं, क्योंकि हर प्रोफेसर के पास लिमिटेड सीट होती हैं. अगर उसने कोई स्टूडेंट देना है, तो अगर वो एक्सेप्टेंस दे चुका होगा, तो वो आपको, आपका जितना भी अट्रैक्टिव एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा. सो ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल. व्हाट शुड बी दी फॉर्मेट फॉर योर एक्सेप्टेंस लेटर? जो एक्सेप्टेंस लेटर है, अक्सर प्रोफेसर्स के पास फॉर्मेट नहीं होता. अक्सर यूनिवर्सिटियों का ये होता है कि आपको खुद फॉर्मेट सेंड करना है, तो इसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा. सीएससी ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आई विल शेयर सम अदर लिंक एज वेल इन डिस्क्रिप्शन. सो आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी देखिएगा, उसमें काफ़ी सारे लिंक होंगे, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर का लिंक वहाँ से मिल जाएगा. अदरवाइज जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, उन प्रोफेसर्स के हर किसी का अपना एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट होता है, वो आपको खुद करेगा. एंड द नेक्स्ट डिमांड, रिप्लाई ऑफ योर प्रोफेसर. और जब आप ईमेल करेंगे, तो आपको मोस्टली प्रोफेसर या तो डायरेक्ट आपको रिसर्च एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे, या फिर वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप उन्हें रिसर्च प्रपोजल सेंड करें, स्टडी प्लान और मे बी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं. जो स्टूडेंट हैं, वो इन सबको आपस में, मोस्टली जो लोग हैं, वो इन सबको आपस में मिक्स कर देते हैं कि ये सब सेम है. रिसर्च प्रपोजल एक और चीज़ है, स्टडी प्लान कुछ और है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और है, मोटिवेशनल लेटर और है. तो अगर आपको इसमें, इनमें भी बहुत इश्यू है, तो देन कमेंट इन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके ऊपर भी एक आपको वीडियो बना दूँ. रिसर्च प्रपोजल में हम उसको अपना प्रपोजल देते हैं कि हम आपके पास आके इस तरह की रिसर्च करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप में आप उसको उस पर्सपेक्टिव का बताते हो कि आपने ये सब्जेक्ट चूज किया, आपका पर्पस क्या है, फ्यूचर प्लान में या फिर स्टडी प्लान में आप बताते हो कि आफ्टर स्टडी क्या है. इस तरह मतलब हर, ये सब डिफरेंट है, मिलते जुलते हैं आपस में, बट ये डिफरेंट हैं काफ़ी हद तक एक दूसरे से. एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है, मोस्टली मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट. मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, अगेन एंड अगेन ईमेल टू प्रोफेसर, टू द प्रोफेसर. जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ईमेल का रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो बार 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 एक ही ईमेल प्रोफेसर्स को, एक ही प्रोफेसर को करते रहते हैं. तो आई सजेस्ट कि आप प्रोफेसर चेंज करें, किसी और प्रोफेसर को करें. मे बी वो प्रोफेसर के पास स्पेस नहीं है, या वो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में से उसको ईमेल्स रिसीव हो रही हैं, और लिमिटेड सीट्स होती हैं हर प्रोफेसर के पास. मैक्सिमम 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 से ज़्यादा कोई प्रोफेसर नहीं लेता, तो मोस्टली 2, 3 होती हैं. तो मे बी वो ऑलरेडी किसी को दे चुका हो, उस वो इसलिए रिप्लाई ना कर रहा हो. एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप काइंडली इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट पुट करें, सीजीपीए गलत ना लिखें, क्योंकि आपके सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाने हैं यूनिवर्सिटी. जब आप का एडमिशन हो जाएगा, जब आप वहाँ पे रजिस्टर खुद जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको अपने सब डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं, जो कि अटेस्टेड होंगे एचएसी मुफा से. तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक ट्रांसक्रिप्ट की या कोई आइल्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी रॉन्ग ना दें. मोस्टली स्टूडेंट ईमेल में मेंशन करते हैं कि उनका आइल्ट्स क्लियर है, जबकि ऐसा नहीं होता. तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें.
मोर देन वन प्रोफेसर, वही बात कि आप सेम यूनिवर्सिटी में एक से ज़्यादा प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ना लें, एंड द नेक्स्ट कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप 2019 के अंदर जो है सीएससी ने रिस्ट्रिक्ट किया, इससे पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जा सकता था। मुझे 2019 में का पता है, अभी 2020 में क्या रिस्ट्रिक्शन है नो आइडिया। मे बी इट विल बी सेम फॉर 2021 एंड सो ऑन, क्योंकि जो 2019 में लगाई है उस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक आप तीन टोटल 5 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हो, जिनमें से 3 जो है वो बी कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो और 2 जो है वो आप ए पे अप्लाई कर सकते हो। ए पे कैसे 2 जगह अप्लाई कर सकते हो? पाकिस्तान में जो है 2 तरह से आप लोग ए कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो, एक थ्रू HEC और सेकंड है एम्बेसी के थ्रू। तो बी कैटेगरी में आप कोई से भी 3 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हो, तो टोटल 5 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में आपको जो है कंफर्मेशन जो है, जब आप CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको आप डिक्लेरेशन भी कहते हैं, एंड पे आप कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो या आप उसे प्रिंट करेंगे उसके फॉर्म को, तो वहाँ पे आपको मेंशन नज़र आएगा कि मैक्सिमम 5 आप दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, 2 दफ़ा आप थ्रू ए कैटेगरी एंड 3 दफ़ा थ्रू बी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बैचलर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है जितनी कि मास्टर और PhD के लिए। तो आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बैचलर के लिए है वो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज मैटर करती है। जैसे हम लोग 62 थे, तो हमारे साथ बैचलर, ये टोटल 62 बैचलर, PhD और मास्टर के मिला के 62 थे। तो हमारा इंटरेक्शन, जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ बैचलर्स वालों के साथ, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने चाइनीज़ को टच किया हुआ था, लाइक उन्हें बेसिक्स थोड़ी थोड़ी पता थी कि अगर आपको हाल चाल पूछना है, नी हाओ एंड सो ऑन, इस तरह के वर्ड उनको काफ़ी मतलब आइडिया थे। तो बैचलर पे इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है थोड़ी सी, चाइनीज़ लैंग्वेज पे भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर, एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है सम हेल्पफुल टिप्स फॉर हाउ टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, लाइक इफ यू हैव 3 3 4 एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सो वेयर यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट, एंड उसके लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास कि आपको किस यूनिवर्सिटी में आपको पहले अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास 3 4 एक्सेप्टेंस लेटर हैं फॉर बी कैटेगरी, तो क्योंकि जो CSC है वो आप जिस यूनिवर्सिटी ने आपका पहले डेटा ट्रांसफ़र कर दिया आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाओगे, मे भी वो लो रैंक हो। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आ नेक्स्ट आई विल अपलोड इंशाल्लाह सून। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आपको ये मेरा फॉर्मेट ईमेल चाहिए जो मैंने सेंड, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स, तो आप कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दें, आई विल सेंड माय ईमेल फॉर्मेट। तो जैसे हम लोगों की हेल्प सीनियर्स ने की, तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के आप लोगों की हेल्प हम लोग करें 2019 वाले, एंड होप यू आल्सो हेल्प योर सीनियर इन नियर फ्यूचर, योर जूनियर्स इन नियर फ्यूचर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।